Our today's topics are sentences, phrases, and clauses. So let's discuss sentence. What is a sentence? A sentence is a group of words which makes a complete sense. बेटा सेंटेंस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है जो हमें एक कंप्लीट सेंस दें, मीन्स कि जो हमें बिल्कुल उसका मीनिंग जो है वो समझा दे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। लव टॉयज चिल्ड्रन, मिल्क गिव काउस, बैलून मैनी आई है। डू दे मेक कंप्लीट सेंस? अब बताएं, ये तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं? लव टॉयज चिल्ड्रन ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं? नो, ये कंप्लीट सेंस हमें नहीं दे रहे। ओके, तो इट मींस कि ये सेंटेंस नहीं है। ओके, व्हाइल राइटिंग अ सेंटेंस ऑलवेज रिमेंबर थ्री थिंग्स। बेटा जब भी हमने सेंटेंस लिखना है तो हमें थ्री थिंग्स अपने माइंड में लाजमी रखनी, डिस्कस करते हैं उनको। ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। जब भी हमने कोई सेंटेंस लिखना है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे उस सेंटेंस को। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला भी एक सेंटेंस ही है, तो हमने इसको किससे स्टार्ट किया है? ए। जो वर्ड हमने ए यूज़ किया है तो वो क्या है? कैपिटल लेटर है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। सेंटेंस जो होते हैं उनको हमेशा किसके साथ एंड करना चाहिए? उनके लास्ट पे फुल स्टॉप लाजमी लगाना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। द वर्ड मस्ट बी पुट इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। जो भी हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं हमें उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में लिखना चाहिए ताकि वो एक कंप्लीट सेंस बना सकें। नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक ऑफ अ सेंटेंस इज द सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। एक सेंटेंस की सबसे जो इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है वो क्या है? कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। देखें फर्स्ट सेंटेंस, चिल्ड्रन लव ट्वाइस। ये देखें, अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन ये एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज भी हैं, इनका ऑर्डर भी बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में अरेंज किया गया है, ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। चिल्ड्रन लव ट्वाइस, काउस गिव मिल्क, आई हैव मैनी बैलून्स। यही थ्री सेंटेंसेस जो हैं ये हमने पीछे भी रीड आउट किए हैं, लेकिन बताएं आप कि जो पीछे पिछली स्लाइड में हमने रीड आउट किए थे वहाँ पर यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं ये हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहे थे। एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। ओके, ये देखें, लव ट्वाइस चिल्ड्रन, मिल्क गिव काउस, बैलून मैनी आई हैव। ये देखें, ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं इनका ऑर्डर जो है वो सही तरह से नहीं किया गया, इनको सही तरह से एक प्रॉपर जो इसकी फॉर्म है जो प्रॉपर ऑर्डर है उसके साथ अरेंज नहीं किया गया, इस वजह से ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। हम अगर इसको लिखते चिल्ड्रन लव ट्वाइस तो फिर क्या था, इनका एक ऑर्डर भी बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में अरेंज हो जाना था और ये हमें एक सेंस भी दे रहे थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्या है, देखें हमने पिछली स्लाइड में एक चीज़ हमने पढ़ी कि जो सेंटेंस है ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो चिल्ड्रन का सी कैपिटल है। और दूसरा हमने क्या पॉइंट पढ़ा था कि सेंटेंस के लास्ट पे फुल स्टॉप आता है, आ रहा है ना। और तीसरा हमने क्या पॉइंट पढ़ा था कि एक सेंटेंस जो है वो प्रॉपरली अरेंज्ड होता है। ठीक है, उस सेंटेंस में जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो हमें एक सेंस देते हैं। चिल्ड्रन लव ट्वाइस, काउस गिव मिल्क, आई हैव मैनी बैलून्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको सेंटेंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेज और क्लॉज। अब हमने फ्रेज और क्लॉज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं फ्रेज इन द एयर। बेटा फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेज में भी, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है इन द एयर। लेकिन ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे। यहाँ पे देखें क्या लिखा है, डजेंट कन्वे एनी सेंस। अब देखें इन द एयर, हवा में, हवा में क्या है हमें पता चल रहा है? बिल्कुल नहीं पता चल रहा, क्योंकि अभी हमारे सामने जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए ये क्या है, इन द एयर। तो ये क्या कर रही हैं, हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे, कंप्लीट इनका मीनिंग हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या है, फ्रेज। क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं, शी सैंग ब्यूटीफुली। अब देखें ये बिल्कुल अरेंज फॉर्म में है, हमें इसका मीनिंग भी समझ में आ रहा है, शी सैंग ब्यूटीफुली। ओके, तो एक क्लॉज जो होती है वो हमें कंप्लीट सेंस दे रही होती है, उसका मीनिंग हमें बिल्कुल समझ आ रहा होता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फ्रेज और क्लॉज को मज़ीद डिस्कस करते हैं कि एक फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी एक फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। इसकी एग्जांपल देखें, नियर माई होम। आप देखें यहाँ पर नियर माई होम यानी मेरे घर के करीब, क्या है मेरे घर के करीब, हमें कुछ समझ आ रहा है, कोई सेंस बन रही है मेरे घर के करीब क्या है? तो इस वजह से आप देखें इस नियर माई होम, इसमें ना ही सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है, तो ये क्या हुआ, फ्रेज। ओके, क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इट मीन्स कि एक क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। एग्जांपल देखते हैं इसकी, अहमद वॉन द बाईसाइकिल रेस। अब इस सेंटेंस में अहमद क्या है, सब्जेक्ट, वॉन क्या है, वर्ब, द बाईसाइकिल रेस, ठीक है। अब देखें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, इट मीन्स कि ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, क्लॉज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन क्लॉज। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो एक फुल सेंटेंस होता है उसमें एक से ज्यादा क्लॉज भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और अ सेंटेंस कैन ऑल्सो हैव मोर देन वन फ्रेज, और एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फ्रेज का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम अपनी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। आई विल टेक द ट्रेन एंड यू कैन टेक द कार। ओके, अब देखें इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस का जो ये वाला पार्ट है, आई विल टेक द ट्रेन, हमें इसकी समझ आ रही है, मैसेज कन्वे हो रहा है कि मैं ट्रेन लूँगा, तो इसमें इट मीन्स इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो इसमें मैसेज कन्वे हो रहा है, तो ये क्या है, क्लॉज। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस का पार्ट, यू कैन टेक द कार, तुम कार ले सकते हो। अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और वर्ब भी है, तो यहाँ पर कंप्लीट सेंस बन रही है इस पार्ट की, ठीक है, सेंटेंस के इस पार्ट में कंप्लीट सेंस है, यानी सब्जेक्ट भी है और हमारे पास वर्ब का भी यूज़ हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, क्लॉज। हमने पीछे पढ़ा था कि एक फुल सेंटेंस में एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो बताएं इस फुल सेंटेंस में कितनी क्लॉजेज यूज हुई हैं, यस टू क्लॉजेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इन हर न्यू क्लॉथ्स द गर्ल लुक्ड एज प्रीटी एज ए डॉल। ओके, अब यहाँ पर अंडरलाइन किसको किया है, इन हर न्यू क्लॉथ्स। अब बताएं इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, नहीं है, इसलिए ये क्या है, फ्रेज। ओके, और यहाँ पर एज प्रिटी एज ए डोल,
जिसको हमने अंडरलाइन किया है, बताएं। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, नहीं है तो ये क्या है? फ्रेज। वेरी गुड। विच ऑफ द अंडरलाइंड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर फ्रेजेस एंड विच क्लॉजेस। अब हमने देखना है कि कौन से ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स क्लॉजेस हैं और कौन से फ्रेजेस। ऑल फ्रेश एंड ब्यूटिफुल। अब देखें, ये जो पार्ट मैंने अंडरलाइन किया है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, नहीं है तो ये क्या है? फ्रेज। ओके, हंगरी एंड थर्स्टी लुकिंग फॉर अ होटल। ओके, तो यहाँ पर आप बताएं, यहाँ पर कंप्लीट सेंस आ रही है, हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये क्या है? फुल क्लॉज। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। बेटा नेक्स्ट आपकी डायरी है, द वर्ड्स बिलो आर जम्बल्ड, प्लेस द वर्ड्स इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस, डोंट फॉरगेट टू पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड। बेटा आपके पास ये 3 सेंटेंसेस हैं, आपने इनको प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना है और आपने इनके लास्ट पे फुल स्टॉप लास्ट में लगाना है। सेकंड आपकी है डायरी, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स, डोंट फॉरगेट टू यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। ये आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं, इनको भी बेटा आपने अरेंज फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और आपकी ये डायरी है कि से वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेज और अ क्लॉज। ये आपके पास 10 सेंटेंसेस हैं, आपने इनमें से जो सेंटेंसेस एज ए फ्रेज यूज हुए हैं उनके आगे फ्रेज लिखना है, और जो सेंटेंसेज एज ए क्लॉज यूज हुए हैं उनके आगे क्लॉज लिखना है। आई होप कि बेटा आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आपने अपनी जो डायरी आपको दी है बेटा, आपने ये लास्ट में करनी है, और इंशाल्लाह ताला हम इसको जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।